ये पुष्प देख रहे हैं आप? ये वही पुष्प है जिसका जीवन इस डाली पर आरंभ हुआ था। पहले कलिका बनकर फूटा, फिर धीरे धीरे मुख खोला, फिर अपने पंखुड़ियों का विस्तार किया। देखने वालों की आंखों में प्रशंसा देखी, मधु के लिए तितलियों को ललचाया और फिर डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ पाया। क्यों? नियति ने ऐसा क्यों किया? सोचिए, क्योंकि उस डाली पर टिके रहना इस पुष्प के जीवन का ध्येय कभी था ही नहीं। अब या तो ये पुष्प देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होगा, या किसी स्त्री के आभूषण में गूंथा जाएगा, या किसी के प्रेम प्रदर्शन का माध्यम बनेगा। देखिए, जीवन में लक्ष्य को पाना है तो यात्रा से भय नहीं होना चाहिए। अपना अस्तित्व बनाना है तो उनकी छाव से दूर जाना ही पड़ेगा जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। यही जीवन की निरंतरता। राधेर कहते हैं, जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है। संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। जीवन में स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ ही सोचते हैं, सबसे अच्छी सुविधा पाना चाहते हैं, सबसे अधिक सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु क्या सबके लिए ये पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं। बस बाधा है समय। हमारा जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए यदि समय का सदुपयोग करोगे तो तनिक सरलता होगी। अब देखिए ना, जिसे स्वप्न देखना अच्छा लगता है उसके लिए रात छोटी पड़ जाती है, जिन्हें स्वप्न पूर्ण करने होते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है, जो सम्मान पाना चाहते हैं उनके लिए परोपकार छोटा पड़ जाता है, और जो ज्ञान पाना चाहते हैं उनके लिए अध्ययन। जीवन में लक्ष्य को पाना हो तो समय का प्रबंधन ठीक होना ही चाहिए। स्मरण रखिएगा, राधे राधे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं, एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए, देखिए, चाह बुरी बात नहीं, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना, ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहे। राधे राधे। जीवन में कुछ भी पाना हो तो सोच और कर बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती है? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से समिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे। पाना और खोना।
दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता, कभी धन खोता है तो कभी सम्मान, कभी मित्र खोता है तो कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं, क्योंकि खोने के साथ ही वो आपको एक अमूल्य सीख दे जाता कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उससे मिली सीख न गवा, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। राधे। अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा व्यक्ति, उसे भी एक भय होता ही, भय उस महल के नींव के हिल जाने का, भय अपना पतन हो जाने का। और इसी कारण से उस ऊंचाई का संपूर्ण आनंद वो ले नहीं पाता। किंतु क्या कभी आपने किसी वृक्ष के डाली पर बैठे किसी पंछी को देखा? उस डाली के हिल जाने से उसे गिर जाने का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। इसी प्रकार हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी सहायता से ऊंचाई पर पहुंचे, किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करते हैं। किंतु सफलता का आनंद केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें गिरने का भय ना हो। इसलिए किसी की सहायता पर नहीं, स्वयं के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। राधे। जीवन में कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो भाव साथ लेकर चलता है। पहला, अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, और दूसरा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सब यही करते हैं, किंतु सब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ना मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता। कुछ अपना निश्चय बदल लेते, कुछ अपना मार्ग। जो अपना मार्ग बदलकर प्रयास करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती, किंतु अपना निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते। इसलिए अपना निश्चय कभी मत बदलिए, क्योंकि निश्चय खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पा जाता। अपना निश्चय बनाए रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते, कुछ का हम तिरस्कार करते, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करे। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाए, आनंद ले और मेरे साथ कहें, राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हम में एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता,
गिरता फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे।